वाह, ये प्राणी खड़े खड़े सारे एयरपोर्ट्स को ताला लगा देगा। अरे तू बोल किधर जाना है? सिंगापुर। चल जा। इसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए, बेस्ट यूजफुल मुच्छड़ ऑफ द ईयर। आज मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे हमारे यहाँ के डायरेक्टर गांजा फूंककर पिक्चर बनाते। पता है इंडियन एक्टर्स को ऑस्कर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बेस्ट ओवर एक्टिंग ऑफ द ईयर नाम का अवार्ड बना ही नहीं आज तक। भाई लेकिन सनी भाई का नेचुरल टैलेंट है। हाँ, लेकिन उसको जानबूझकर ऑस्कर नहीं देते। क्यों? पता नहीं, शायद हाथ में जाते ही नंगे ऑस्कर का खड़ा ना हो जाए इसलिए। बात में दम है। नहीं, मुझे एक बात जाननी है। क्यों, इसे दो गाड़ियों के छत पे टांगे फैला के खड़े रहकर ही पीछा क्यों करना था? एक गाड़ी के छत पे खड़े रहकर आ सकता था, या फिर गाड़ी के अंदर बैठकर आ सकता था। अगर गलती से भी एक गाड़ी साइड हो जाती तो धर्मेंद्र के अंडों का ऑमलेट बन जाता। मेरी दो देसी बोतलें चुरा के भागा है, नहीं छोड़ूंगा कुत्ता है। मेरा पीछा छोड़ दे बे। अरे रस्सी कहाँ पकड़ रहे हो, बंदे को पकड़ो, क्या कर रहे हो? लगता है आज दो पैक ज्यादा हो गई इनकी। वाह, लोग हवा में पतंग उड़ाते, हमारे धर्मेंद्र हेलीकॉप्टर उड़ाते। मैं तो बोलता हूँ धर्मेंद्र जी के घर पे रेड मारो, वो गायब हुए हवाई जहाज पक्का वहाँ पे मिलेंगे। पीने के बाद छत पे जाकर रस्सी डालकर खींचता होगा ये। अबे रस्सी छोड़, बच्चे की जान लेगा क्या? मेरी बोतलें दे दे वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अगर इस फिल्म का डायरेक्टर मुझे कहीं मिल जाए ना, उसके लंड को फांसी देकर उड़ते हेलीकॉप्टर से टांग दूंगा। ये दिल देख और ये दिल देख, ये किसका, इंसान का, हाथी का या डायनासोर का दिल है? और ये दिल है रबर का खिलौना लग रहा है मेरे को। वाह शाबाश, इसको बोलते थ्रो। ऐसा थ्रो मैंने आज तक क्रिकेट में भी नहीं देखा। और ये टूटे हुए कांच के साथ लड़की के शरीर में जाकर फिट हो गया, फिर बाद में चमकने भी लगा। ये लड़की है या एलियन समझ में नहीं आ रहा। सोचो ये लोग सीन का डिस्कशन कैसे करते होंगे। हाँ तो हर ट्रांसप्लांट का सीन है। जी सर। अपना जो हीरो होगा ना, वो दिल को ऐसे आसमान में फेंकेगा। सर आसमान में? यही तो क्रिएटिविटी है। अच्छा, फिर वो दिल कांच तोड़ के अंदर हॉस्पिटल में घुसेगा। सर कांच दिल में नहीं घुसेगा? नहीं नहीं, वही तो क्रिएटिविटी है। अच्छा, फिर वो दिल लड़की के शरीर में बराबर फिट होगा और चमकने भी लगेगा। सर चमकने लगेगा? हाँ वही तो क्रिएटिविटी है। सर अब लाइटिंग आ ही चुकी है तो दिल के अंदर डांस भी दिखाएंगे? नहीं नहीं, वो पार्ट टू में दिखाएंगे। ये डॉक्टर पक्का पार्ट टाइम टेलर होगा। ये देखो दांत से स्ट्रेचेस काट रहा है भोसरी का। अबे चड्डी सीने का सुई धागा नहीं है ये। और तुझे क्या लगा ये मुच्छड़ मर गया? ना 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 ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बेचैन बोल चस्ते आज इतनी दिन चैनल ले चस्ता। वाह तालिया, बस यही देखना बाकी था। आज मोक्ष की प्राप्ति हो गई मुझे। जब माँ अपने बेटे को आवाज लगाकर थक जाती है फिर भी भोसड़ी का सुनता नहीं, फोन में थोबड़ा डालकर बैठा रहता है, आइटम ने बुलाने के बाद जलती चिता से भी खड़ा हो जाएगा। कलयुग है बेटा कलयुग, माँ के मुंह पे ताला है, आइटम का बोल बाला है, इसका सांप काला है, ये भोसड़ी वाला है। जय चंद्रके सभा, जय चंद्रके सभा, जय चंद्रके सभा। Yeah!
इसने तो उंगली दिखाकर ट्रेन को पीछे कर दिया। इसको रेलवे स्टेशन पे खड़ा कर दो, उंगलियों से ट्रेन चलाएगा, देश का ईंधन बचेगा। अरे प्राश, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, काट डालेंगे। अबे तू क्या मुझे काटेगा, मैं तुझे पीछे भेज देता हूँ। ओम भगनी भागो दरी भगमा से ओम नियोम भट स्वाहा। इसकी माँ का बोसड़ा। ये पिक्चर बनाने वाले हमारा चुतिया काटते रहेंगे और हम कटवाते रहेंगे। काटो और जोर से काटो। हाँ मेरा काट भोसड़ी के। I have you now.